दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं भारतीय टीम 19 जनवरी से शुरू होने वाले वनडे सीरीज जीतकर सीरीज पर कब्जा करके टेस्ट सीरीज में मिली हार का बदला ले तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं टेस्ट सीरीज जीतने का सपना अब टीम इंडिया के लिए सिर्फ एक ख्वाब बनकर ही रह गया है। साउथ अफ्रीका ने तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच में भारत को एक कभी भी न भूलने वाली शर्मनाक हार दे दी है। अब ऐसे में 19 जनवरी से शुरू होने वाले वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के खिलाड़ी प्रैक्टिस शुरू कर दी है, जहां टीम के नए कप्तान लोकेश राहुल ने प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है, क्योंकि राहुल हर हाल में अपनी कप्तानी से वनडे सीरीज जीतकर टेस्ट सीरीज में मिली हार का बदला लेना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अफ्रीकी टीम को हराने के लिए टीम में खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया है। दोस्तों आपको बताएंगे कि कप्तान लोकेश राहुल ने किन किन खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया है, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताएं क्या टीम इंडिया टेस्ट सीरीज में मिली हार का बदला वनडे सीरीज में ले पाएगी। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि विराट कोहली वनडे सीरीज की कप्तानी छोड़ दी है और उनकी जगह अब रोहित शर्मा वनडे और टी20 की कप्तानी करते नजर आएंगे, लेकिन रोहित शर्मा के चोटिल होने की वजह से वे अब इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं। ऐसी में उनकी जगह अब लोकेश राहुल वनडे सीरीज की कप्तानी करते नजर आएंगे, जहां उन्होंने अफ्रीका को हराने के लिए एक खतरनाक प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है, जिसमें उन्होंने रोहित शर्मा के चोटिल होने की वजह से लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे शिखर धवन की टीम में वापसी कराई है और ओपनिंग में खुद के साथ शिखर धवन को ओपनिंग कराने की बात कही है। वही नंबर 3 की जिम्मेदारी उन्होंने कोहली के कंधों पर सौंपी है और इसके बाद चौथे नंबर पर मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव पर अपना भरोसा जताया है, जो पिछले कुछ समय से जबरदस्त फॉर्म का परिचय दिए हैं। वही उन्होंने पांचवें नंबर की जिम्मेदारी न्यूजीलैंड के खिलाफ धमाकेदार डेब्यू करने वाले श्रेयस अय्यर की कंधों पर सौंपी है, जबकि छठवें नंबर पर केप टाउन के मैदान पर जबरदस्त शतक लगाने वाले ऋषभ पंत को दी है और ऑलराउंडर के तौर पर भारत की नई सनसनी कही जाने वाली वेंकटेश अय्यर को ऑलराउंडर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद स्पिन की जिम्मेदारी उन्होंने युजवेंद्र चहल की मजबूत कंधों पर डाल दी है, जबकि तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर को दी है।